एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो एनवायरनमेंट सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रास लैंड्स इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में घास के मैदान जितने भी पाए जाते हैं, जिस जिस नाम से पाए जाते हैं, वो सब हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। एक मेरी आपसे सजेशन है, ये टॉपिक जब भी आप इस तरह के टॉपिक करते हैं तो प्लीज एटलस लेके अपने सामने जरूर बैठे, ताकि जैसे कि मैंने बताया कि सवाना आपका जो घास का मैदान है वो आपके अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो आप साथ साथ में टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में और ज्यादा अच्छे से आपको याद रहता है। तो अगर आपके पास एटलस है तो एटलस लेकर आप साथ साथ जो है मेरे साथ कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी ना करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बेल आइकन का प्रेस करने का फायदा सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो जब भी आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो शुरू करते हैं घास के मैदान या ग्रास लैंड। सबसे पहले ग्रास लैंड या घास के मैदान हम किसे कहते हैं? तो वो क्षेत्र, वो एरिया जहां पर जो आपके पेड़ पौधे उगते हैं, जहां पर आपके जो है पेड़ नहीं उग सकते, और साथ ही अगर पेड़ नहीं उग सकते यानी कि कोई फॉरेस्ट नहीं बन सकता, तो वहां पर आपका ये दूसरी कंडीशन क्या है कि वहां पर आपका जो रेगिस्तान है यानी कि डेजर्ट है, हम उस एरिया को डेजर्ट भी नहीं कह सकते, यानी कि पेड़ भी नहीं है। अगर पेड़ नहीं है तो मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट एरिया भी वहां पर नहीं है, उनका बीच का एरिया वहां पाया जाता है जहां पर आपकी घास होती है, यानी कि घास या फिर जो ग्रास है हम उसे कहते हैं जहां ना तो आपके ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है कि आपका जो है पेड़ उग सके, ट्रीज उग सके, और ना ही इतनी ड्रास्टिक यानी कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि वहां पर कुछ उगे ही ना, यहाँ तक कि ग्रास भी ना उगे। तो ऐसे एरिया में, ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे एनवायरनमेंट में आपकी क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। तो वर्ल्ड में डिफरेंट जो है आपके ग्रास लैंड पाए जाते हैं उनके टेम्परेट एरियाज के आधार पर, उनके एनवायरनमेंट के आधार पर, और उनको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड में आगे जो ग्रास लैंड है उसे हम दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं, कौन कौन से। एक आपके ट्रॉपिकल ग्रास लैंड यानी कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और दूसरे आपके टेम्परेट ग्रास लैंड यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उससे पहले एक चीज और कवर कर लें कि अगर कोई पूछे, विशेषता पूछे आपसे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपके जो है घास है, ग्रास है, तो कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जो आपकी घास होती है, ये मान लीजिए उसकी एक स्टेम है, तो वो आपका जो है जॉइंटेड होती है, यानी कि बीच में आपकी जो है स्टेम जॉइंटेड होती है, आपस में जुड़ी होती है। ये अगर आप कोई भी अगर पौधा देख ले आप, आपके आसपास आप देख सकते हैं। पेड़ों में ऐसा नहीं होता, पेड़ों में जो तना है आपका स्टेम है उसमें कॉन्टिन्यू होता है, लेकिन घास में आप देखेंगे कि छोटी छोटी आपकी जो है आपकी डिवाइडेड होती है पूरी एक स्टेम। इस तरह से आप कहेंगे कि ऐसे तो फिर गन्ने जो आपके शुगर केन है उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें भी जो जॉइंटेड स्टेम होती है आपकी गन्ने में भी, इसी तरह आपका जो बैम्बू है, बांस का जो आपको देखते हैं, बांस में भी आपका जो स्टेम होता है वो जॉइंटेड है, तो वो आपका पेड़ नहीं है, वो आपकी क्या है, वो एक आपके घास की ही प्रकार है। तो ये आप विशेषता ध्यान रख सकते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका ग्रास है, तो उसमें आपकी जो स्टेम होती है वो जॉइंटेड होती है। अब हमने बोला कि जो आपकी ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से। एक है आपका जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और ये हो गया आपका पहली तरह का ग्रासलैंड। और दूसरी तरह का आपका होता है कौन सा, वो है आपका टेम्परेट, ऐसे लिखने के पीछे भी मेरा कुछ मोटो है कि क्यों मैं इस तरह से आपका क्यों डिवाइड इस तरह से टेढ़ा लिख रही हूँ तो आपको पता लग जाएगा। तो टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये तो जो दो आपके ग्रासलैंड है किस आधार पर डिवाइड होते हैं, तो ये आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर डिवाइड होते हैं। कैसे? तो जो अगर हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अगर यहाँ पे हम देख लें तो मान लीजिए ये आपकी जो है पृथ्वी है, इसमें आपका 0 डिग्री पर आपका जो है आपका इक्वेटोरियल लाइन है, और 0 डिग्री से नॉर्थ और जो साउथ जाने पर जो है आपका, यानी कि 0 डिग्री से आपका 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ
और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो आपका एरिया है पूरा, ये आपका क्या कहलाता है, जहां पर आपकी जो सन है उसकी सीधे किरणें पड़ती हैं, ये आपका एरिया कहलाता है आपका ट्रॉपिकल एरिया, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जहां पर साल भर जो है आपका बारिश होती है। और ट्रॉपिकल एरिया के आसपास क्या है, आपका इक्वेटोरियल लाइन है। वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर क्योंकि सूरज की सीधी किरणें पड़ती है और साल भर आपकी जो है बारिश होती है, तो ऐसे एरिया में जो घास पाई जाती है आपकी, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से अब हम नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर इधर जाए, तो यहाँ पर जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं इन ठंडे एरिया में, उस घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण घास के मैदान। अब वर्ल्ड में जो आपको डिवाइड किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि जो पहले तीन यहाँ पर मैंने घास के मैदान लिखे हैं, ग्रासलैंड, कैंपोस, लानोस और स्वानो, ये तीनों आपके जो ग्रासलैंड है कैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में पाए जाते हैं, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो आपका ये आपका एरिया है, इस एरिया में जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पर आपके ये तीनों घास के मैदान जो है ग्रासलैंड वर्ल्ड में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ से 23.5 डिग्री से नॉर्थ या 23.5 डिग्री से साउथ जाने पर जो आपके ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड या शीतोष्ण घास के मैदान, जो कि कहाँ से है, आपके स्टेपी से लेकर कैंटरबरी जो कि आपका न्यूजीलैंड में है, यहाँ तक जो आपके ग्रासलैंड जो लिखे हुए हैं, ये आपके जो कोल्ड प्लेसेस हैं, तो ठंडे एरियाज हैं, वहां ये ग्रासलैंड जो है पाए जाते हैं। अब इनके नाम हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका यहीं से आता है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि ट्रॉपिकल या फिर जो ग्रासलैंड के कितने टाइप्स हैं या फिर ग्रासलैंड हम किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका दरअसल पूछा जाता है कि मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला है आपका कैंपोस, तो कैंपोस घास का मैदान जो कि पाया जाता है आपका साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे और साउदर्न ब्राजील। तो आपका जो साउथ ब्राजील है वहां अर्जेंटीना और उरुग्वे, वहां पर आपका जो है जो ग्रासलैंड पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कैंपोस। उसके बाद है लानोस। लानोस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लानोस जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका है कोलंबिया और वेनेजुएला। तो साउथ अमेरिका में कहां पर है आपका, कोलंबिया और वेनेजुएला। उसके बाद है सवाना घास के मैदान, तो सवाना घास के मैदान जो कि आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच यहां पर आपके इक्वेटोरियल एरिया के आसपास जो आपके ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन कंट्रीज में, इस एरिया में जो आपका ग्रासलैंड आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वाना ग्रास लैंड। तो ये थे तीनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसके बाद जो आपके ठंडे प्रदेश में, ठंडे एरियाज में जो ग्रासलैंड आते हैं वो यहाँ पर नीचे है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान, तो यूरेशिया, यूरेशिया यानी जो आपका अफ्रीका और जो एशिया का जो एरिया है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से ऊपर और नीचे की ओर जाने पर जो आपका एरिया आता है, जो आपका आर्कटिक जो बेल्ट है आपकी, उसके बेल्ट में आपका जो यूरेशिया एरिया है वहां पर आपके स्टेपी घास के मैदान जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रेरी घास के मैदान, तो प्रेरी घास के मैदान भी आपके इन्हीं एरियाज में, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है आपका आर्कटिक के बेल्ट के आसपास, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उसे हम प्रेरी कहते हैं। नेक्स्ट पंपास, तो पंपास है आपका, ये है आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कैंपोस जो भी यहीं पर आपका अर्जेंटीना, उरुग्वे और साउदर्न ब्राजील, लेकिन यहाँ पर जो एरिया आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच है, जहाँ पर टेम्परेट आपका जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया है, वहां पर जो घास पाई जाएगी उसे हम कैंपोस कहेंगे। जो इसके नॉर्थ या साउथ की ओर जो आपका, जो आपका एरिया अगर आता है वहां की ग्रासलैंड को हम टेम्परेट कहते हैं, तो वहां के जो देश के जो पार्ट आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, पंपास ग्रासलैंड। नेक्स्ट वेल्ड, तो वेल्ड आपके ग्रासलैंड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, डाउन्स, डाउन्स
ऑस्ट्रेलिया तो याद कर सकते हैं क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो अगर पोजीशन देखें तो वो डाउन लैंड के नीचे की ओर है, तो ऐसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो डाउन ग्रासलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया में, पुस्टास हंगरी जो कि यूरोप में है तो वहां पर आपका पुस्टास ग्रासलैंड है, और कैंटरबरी, कैंटरबरी जो कि कहां पाया जाता है आपका न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की जो ग्रासलैंड है उसे हम क्या कहते हैं, कैंटरबरी। तो ये पूरा टॉपिक जो है, ये सब चीजें आपको पूरी प्योरली आपको याद करने वाली चीजें, फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद जो है करनी पड़ेगी, और इजी हो जाएगा जैसा मैंने बोला कि अगर आप एटलस की सहायता से पढ़ेंगे, एटलस की सहायता साथ साथ टिक करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से जो है ये आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसकी फोटो क्लिक करके आपको जरूर सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहां से ये वो लोग आगे रिवाइज करने के लिए आप ये टॉपिक देख सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आप चाहें तो वहां हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।